आज हम रसायन विज्ञान के एक एक साथ साम्यावस्था का अध्ययन करेंगे। साम्यावस्था से तात्पर्य है स्थायी या स्थायित्व की अवस्था, किसी भी निकाय की ऐसी अवस्था जिसमें वह होने वाले परिवर्तन का विरोध करती है, और यदि किसी कारण से इसमें परिवर्तन कर भी दिया जाता है तो वह पुनः अपनी प्रारंभिक अवस्था में आने की चेष्टा करती है। वास्तव में कहा जाए तो साम्यावस्था किसी भी निकाय की सबसे स्थायी अवस्था होती है, और इस स्थिति में इसकी जो सभी यदि सामान्य परिस्थितियां हों तो इसमें इसकी मुक्त ऊर्जा यानी कि गिब्स फ्री एनर्जी का मान न्यूनतम होता है। साम्यावस्था के विषय में आपने ऊष्मा गतिकी अध्याय के अंतर्गत भी पढ़ा है। हमने उसमें जाना था कि किस तरह से निकाय तथा उसका परिवेश आपस में ऊष्मी साम्य में होते हैं। वास्तव में कहा जाए तो किसी भी निकाय के ऊष्मा गतिकी रूप से साम्य अवस्था में होने के लिए उसे कई प्रकार से, जैसे कि यांत्रिक रूप से साम्य अवस्था में होना चाहिए तथा तापीय रूप से साम्य अवस्था में होना चाहिए तथा रासायनिक रूप से भी साम्य अवस्था में होना चाहिए। यदि हम यांत्रिक रूप से साम्यावस्था की बात करते हैं तो हम कहेंगे कि दोनों ओर जो प्रक्रम हो रहा है उसके बाएं तथा दाएं ओर दोनों ओर बल जो है वो संतुलित होने चाहिए, बराबर होने चाहिए, यानी कि जो नेट बल होता है वह शून्य होना चाहिए। इसी तरह से जब हम तापीय साम्य की बात करते हैं तो हम देखते हैं कि निकाय तथा परिवेश, या फिर हम यह कह सकते हैं कि पूरे जो प्रक्रम में जो ताप है उसमें इस प्रकार से परिवर्तन होना चाहिए कि जो टोटल परिवर्तन है, नेट ताप परिवर्तन है, वह शून्य हो जाए। इसी तरह से यहाँ हम कह सकते हैं कि इसमें जो तापमान है वह स्थायी होना चाहिए। इसी तरह से जब हम रासायनिक प्रक्रियाओं में साम्यावस्था की बात करते हैं तो हम ये कहते हैं कि जो रासायनिक अभिक्रियाएं होती हैं उसमें अभिकारकों तथा उत्पादों की सांद्रताओं के बीच साम्यावस्था होना चाहिए। इस अध्याय में हम साम्यावस्था के विषय में विशेष रूप से जानेंगे। वास्तव में साम्यावस्था का ज्ञान होना केवल सैद्धांतिक रूप से आवश्यक नहीं है, यह हमारे दैनिक जीवन से जुड़ी विभिन्न प्रक्रमों को समझने के लिए, पर्यावरण से संबंधित विभिन्न गणनाओं को करने के लिए, प्रक्रियाओं को जानने के लिए तथा साथ ही साथ उद्योगों में होने वाले विभिन्न प्रक्रम को इच्छित दिशा में प्रचालित करने के लिए हमें साम्यावस्था का ज्ञान होना अत्यंत आवश्यक है। यदि हम दैनिक जीवन की बात करें या जैविक प्रक्रिया की बात करें तो हम जानते हैं, उदाहरण के लिए हम देखेंगे कि जब हम सामान्य अवस्था में होते हैं या जब हम आराम की अवस्था में होते हैं तो हमारे श्वसन की दर सामान्य होती है। इस स्थिति में हम एक निश्चित मात्रा में वायु को श्वसन के द्वारा अंदर लेते हैं तथा हमारे फेफड़ों में जो वायु पहुंचती है उसमें उपस्थित जो ऑक्सीजन होती है वह हीमोग्लोबिन के साथ जुड़कर रक्त परिसंचरण तंत्र के माध्यम से पूरे शरीर में समान रूप से वितरित होती है। साथ ही साथ हमारे शरीर में बनने वाली जो कार्बन डाइऑक्साइड है यह भी रक्त परिसंचरण तंत्र के माध्यम से वापस फेफड़ों में आती है तथा फेफड़े से बाह्य वातावरण में भेज दी जाती है। इस तरह से हमारे शरीर में ऑक्सीजन का लेवल या ऑक्सीजन की मात्रा संतुलित रहती है, या हम कहेंगे कि साम्यावस्था में बनी रहती है। लेकिन अचानक यदि आपको 100 मीटर की दौड़ लगानी हो और इसके बाद हम देखते हैं कि हमारी श्वसन की जो दर है या श्वासोच्छ्वास की दर है वह बढ़ जाती है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि हमारे शरीर में जो ऑक्सीजन का संतुलन या साम्यावस्था स्थिति थी वह बदल गई है, क्योंकि अचानक कार्य करने से आपके शरीर की जो मांसपेशियां हैं उसमें ऑक्सीजन की आवश्यकता बढ़ गई है, और इसकी वजह से हमें ज़्यादा श्वसन की गति को बढ़ाकर ज़्यादा से ज़्यादा ऑक्सीजन को अंदर लेने की आवश्यकता होती है ताकि पुनः जो साम्यावस्था की स्थिति है वह प्राप्त हो सके। इसी तरह से हम देखते हैं कि आपने कार्बन मोनोऑक्साइड की विषाक्तता के बारे में जाना होगा।
हम जानते हैं कि जो कार्बन मोनोऑक्साइड होती है उसकी हीमोग्लोबिन के साथ जो बॉन्डिंग होती है वो ऑक्सीजन के कंपेयर में ज़्यादा होती है, और इसीलिए यदि वातावरण में कार्बन मोनोऑक्साइड होती है तो वह हमारे शरीर के अंदर पहुंचकर हीमोग्लोबिन के साथ बॉन्डिंग कर लेती है, और जिसकी वजह से ऑक्सीजन की बॉन्डिंग नहीं हो पाती और हमारे शरीर में कार्बन डाइऑक्साइड फैल जाती है, जबकि ऑक्सीजन की बहुत अधिक कमी हो जाती है, और इस स्थिति में भी हमारी जो अंदर ऑक्सीजन की साम्यावस्था है वह बिगड़ जाती है, असंतुलित हो जाती है, और ऐसी स्थिति में यदि हमें पुनः ऑक्सीजन की पर्याप्त मात्रा न मिले तो हमारी मृत्यु हो सकती है, दम घुटने की वजह से हमारी या ऑक्सीजन की कमी से हमारी मृत्यु हो सकती है। इसी तरह से हम देखें कि पर्यावरण में भी हम जानते हैं कि हमारे पर्यावरण में कार्बन डाइऑक्साइड होती है, और इसकी निश्चित मात्रा यदि होती है तो कार्बन डाइऑक्साइड की जो निश्चित मात्रा है वह जल में निश्चित मात्रा में घुलती है। यदि हम समुद्र की बात करें तो समुद्र की सतह के ऊपर जो कार्बन डाइऑक्साइड होती है उस कार्बन डाइऑक्साइड का समुद्र की सतह पर जल की सतह पर एक दबाव होता है, और उस दबाव की वजह से एक निश्चित मात्रा में कार्बन डाइऑक्साइड जल में घुलती जाती है। लेकिन हम जानते हैं कि वातावरण जो है वह काफ़ी प्रदूषित हो रहा है, और इसकी वजह से कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा वातावरण में बढ़ जाती है, यानी कि जो जल है उसकी सतह के ऊपर कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बढ़ जाती है, उसका दबाव बढ़ जाता है, और इसकी वजह से जल में कार्बन डाइऑक्साइड के घुलने की दर बढ़ जाती है, जिसकी वजह से हम जानते हैं कि जो कार्बन डाइऑक्साइड है वह पानी में घुलकर कार्बोनिक अम्ल बनाती है, और इसकी वजह से जल की अम्लता है उसमें वृद्धि हो जाती है, जो कि जलीय जीवों के लिए काफी हानिकारक होती है। तो इस तरह हम देखें कि जैविक प्रक्रियाओं में या फिर पर्यावरणीय प्रक्रियाओं में भी साम्यावस्था का अध्ययन या साम्यावस्था की जानकारी होना अत्यंत आवश्यक होती है, तभी हम इन प्रक्रियाओं को सही दिशा में पुनः स्थापित कर सकते हैं। इसी तरह से हम देखते हैं कि जो औद्योगिक प्रक्रम होते हैं वहाँ पर भी यदि हमें साम्यावस्था के विषय में ज्ञान हो तो हम अपनी इच्छा के अनुसार साम्यावस्था को उत्पाद के दिशा में मोड़कर अधिक से अधिक उत्पाद प्राप्त कर सकते हैं। तो इस तरह से हम देखें कि साम्यावस्था का अध्ययन हमारे जैविक पर्यावरणीय तथा औद्योगिक प्रक्रमों के लिए अत्यंत आवश्यक है। हम यहाँ पर यह भी बता दें कि जो साम्यावस्था है वह भौतिक तथा रासायनिक दोनों ही प्रकार के प्रक्रमों में लागू होती है, और इस अध्याय में हम इसी प्रकार के भौतिक रासायनिक तथा आयनिक प्रक्रमों में होने वाली साम्यावस्था के विषय में अध्ययन करेंगे। यहाँ पर हम साम्यावस्था का अध्ययन करने से पहले हम ये जान लेते हैं कि साम्यावस्था किस तरह से स्थापित होती है। इसके लिए हमें प्रक्रम के विषय में जानना होगा। हम जानते हैं कि जो भौतिक और रासायनिक प्रक्रम होते हैं वह दो प्रकार से घटित हो सकते हैं। एक होते हैं अनुत्क्रमणीय प्रक्रम। अनुत्क्रमणीय प्रक्रम वे होते हैं जो कि एक ही दिशा में चलते हैं तथा ये प्रक्रम पूर्ण हो जाते हैं, और इस प्रकार के प्रक्रम को हम एकल तीर के निशान के द्वारा प्रदर्शित करते हैं। ये भौतिक प्रक्रम में यदि हम कहें तो यदि हम किसी खुले बर्तन में पानी लेकर गर्म करते हैं तो कुछ समय यहाँ पर हम देखते हैं कि प्रारंभ में हमारे पास जो जल होता है वह धीरे धीरे वाष्पीकृत होता जाता है, और एक समय ऐसा आता है कि जो वाष्प होती है वह वातावरण में पूरी तरह से वितरित होती जाती है, और एक समय ऐसा आता है जब हमारे पास जो अभिकारक है वह नहीं रह जाता, और इस तरह से यहाँ पर जो प्रक्रम है वह पूरी तरह से पूर्ण हो जाता है। दूसरी ओर यदि हम किसी रासायनिक प्रक्रम की बात करें तो यहाँ पर हम देखेंगे कि मान लीजिए हम यहाँ पर उदाहरण लेते हैं कोई भी अभिकारक यहाँ पर, और ये पूरी तरह से उत्पाद में परिवर्तित हो जाते हैं। इस प्रकार के जो प्रक्रम होते हैं इन्हें हम अनुत्क्रमणीय प्रक्रम कहते हैं। दूसरी ओर यहाँ पर हम देखें उत्क्रमणीय प्रक्रम,
ऐसे भौतिक या रासायनिक प्रक्रम जो कि दोनों दिशाओं में होते हैं और इन प्रक्रमों में ये कभी भी पूर्णता को प्राप्त नहीं होते हैं। उदाहरण के लिए यहाँ पर हम एक ले रहे हैं जैसे कि अमोनिया के निर्माण की हाबर विधि। यहाँ पर हम देखते हैं कि जो नाइट्रोजन के एक मोल हाइड्रोजन के तीन मोल के साथ क्रिया करते हैं तथा अमोनिया के दो मोल बनाते हैं। इस प्रक्रम में जैसे ही नाइट्रोजन और हाइड्रोजन मिलकर अमोनिया बनाते हैं तो उसके कुछ समय के पश्चात अमोनिया वापस टूटकर नाइट्रोजन तथा हाइड्रोजन अणु में परिवर्तित होता रहता है। इस प्रकार की प्रक्रियाएं जो होती है वह दोनों दिशाओं में चलती है और इसीलिए इस प्रकार के जो उत्क्रमणीय प्रक्रम होते हैं इसमें अभिकारकों तथा उत्पादों के बीच जो तीर का निशान होता है उसे हम दो अर्ध तीर के निशानों के द्वारा प्रदर्शित करते हैं। इसमें से जो अभिकारक से उत्पाद की ओर दिशा में दिखाने वाला जो तीर का निशान है वह अग्र अभिक्रिया को दर्शाता है, जबकि उत्पाद से अभिकारक की तरफ जाने वाला जो तीर का अर्ध निशान है वह प्रतीप या विपरीत अभिक्रिया को दर्शाता है। और यहाँ पर जब ये भी बताते हैं कि जब अभिकारक और उत्पाद के मध्य ये जो दोनों विपरीत तीर के निशान होते हैं यदि ये बराबर बराबर हो तो यह साम्यावस्था की स्थिति को दर्शाती है। दूसरी ओर यदि यहाँ पर जो तीर का निशान है वह अग्र दिशा की ओर बड़ा तथा पश्च दिशा की ओर छोटा होता है तो यह दिखाता है जो अब साम्य है उत्पाद की ओर अधिक स्थापित हो रहा है। दूसरी ओर यदि ये अभिकारक की ओर बड़ा तथा उत्पाद की ओर छोटा दिख रहा है तो ये दर्शाता है कि यह यहाँ पर जो साम्यावस्था है वह अभिकारक की ओर विस्थापित हो चुकी है। इसी तरह से यदि अभिकारकों और उत्पाद के मध्य केवल एक तीर का निशान है तो वो दर्शाता है कि यहाँ पर जो प्रक्रिया है वह एक दिशा में हो रही है। तो इस तरह से हम देखते हैं कि जो उत्क्रमणीय अभिक्रियाएं होती हैं और जो कि बंद पात्र में कराई जाती हैं तभी उनमें साम्यावस्था स्थापित होती है। तो इस तरह से हम जो उत्क्रमणीय अभिक्रिया होती हैं उनके हम लक्षण जान लेते हैं। तो यहाँ पर हम कहें कि जो उत्क्रमणीय अभिक्रिया होती हैं उन्हें हम दो समान अर्ध तीरों के द्वारा जिनकी दिशा एक दूसरे के विपरीत होती है उसके द्वारा प्रदर्शित करते हैं। ये उत्क्रमणीय अभिक्रियाएं दोनों दिशाओं में होती हैं तथा किसी भी दिशा में पूर्णता को प्राप्त नहीं होती हैं। साथ ही साथ यहाँ पर जो उत्क्रमणीय अभिक्रियाएं होती हैं जनरली देखा जाता है कि इनका जो वेग होता है प्रायः मंद होता है। साथ ही साथ यहाँ पर जो इनका वेग होता है अभिक्रिया का वेग होता है वो कई कारकों जैसे कि अभिक्रिया की सांद्रता ताप दाब आदि पर भी निर्भर करता है। साथ ही साथ यहाँ पर हम देखें कि इन उत्क्रमणीय प्रक्रियाओं को किसी भी दिशा से प्रारंभ किया जा सकता है, यानी कि यदि हम यहाँ पर देखें कि आयोडीन गैस हाइड्रोजन गैस के साथ मिलकर यदि हाइड्रोजन आयोडाइड गैस का निर्माण करती है यदि यह एक उत्क्रमणीय प्रक्रिया है या प्रक्रम है तो यहाँ पर हम देखें कि यदि हम अभिक्रिया के मिश्रण में आयोडीन गैस और हाइड्रोजन गैस लेते हैं तो वो आपस में मिलकर हाइड्रोजन आयोडाइड का निर्माण करेंगे। दूसरी ओर यदि हम अभिक्रिया मिश्रण में हाइड्रोजन आयोडाइड गैस लेते हैं तो वह टूट कर हाइड्रोजन गैस तथा आयोडाइड गैस का निर्माण करती है। तो इस तरह से हम कहते हैं कि जो उत्क्रमणीय अभिक्रियाएं होती हैं उन्हें किसी भी दिशा में दोनों ही दिशाओं से यहां पर प्रारंभ किया जा सकता है। साथ ही साथ ये जो उत्क्रमणीय प्रक्रिया है जैसे कि मैंने पहले भी बताया ये भौतिक तथा रासायनिक दोनों प्रक्रमों में हो सकती हैं। साथ ही साथ इन प्रक्रमों में क्योंकि ये अभिक्रियाएं बंद पात्र में होंगी तथा इनमें दोनों प्रक्रम दोनों ही दिशाओं में होती हैं इसलिए इनमें साम्यावस्था स्थापित हो जाती है।
और इस तरह से हम देखें कि जो भी हम साम्यावस्था के अंतर्गत पढ़ेंगे, चाहे वो भौतिक प्रक्रम हो या फिर रासायनिक प्रक्रम हो, उसमें हम देखेंगे कि उसमें होने वाली जो प्रक्रियाएं होंगी वह उत्क्रमणीय होंगी। तो इस तरह से हम इसके अंतर्गत भौतिक तथा रासायनिक प्रक्रमों में होने वाले प्रक्रमों के विषय में जानेंगे। साम्यावस्था के अध्ययन से पहले आइए हम साम्यावस्था के प्रकारों को जान लें। साम्यावस्था के प्रकारों को कई प्रकार से वर्गीकृत किया जा सकता है। सबसे पहले अवयव की भौतिक अवस्था के आधार पर। अवयव की भौतिक अवस्था के आधार पर हम साम्यावस्था को दो वर्गों में बांटते हैं। पहला समांगी साम्यावस्था, या जिसे हम होमोजेनस इक्विलिब्रियम कहते हैं। सभी अवयव जब एक ही भौतिक अवस्था में होते हैं तो उस स्थिति में जो साम्यावस्था होती है वह समांगी साम्यावस्था कहलाती है। या तो सभी अवयव गैसीय अवस्था में हो सकते हैं या फिर सभी अवयव विलयन अवस्था में हो सकते हैं। दूसरा है विसमांगी साम्यावस्था। जब अवयव एक से अधिक भिन्न भिन्न भौतिक अवस्था में होते हैं तो इस अवस्था में हम साम्यावस्था को विषमांगी साम्यावस्था कहते हैं। दूसरे प्रकार का वर्गीकरण है अभिकर्मक तथा उत्पाद के संबंध के आधार पर। इसमें पहला उदाहरण है, जैसा कि हमने अभी जाना, भौतिक साम्यावस्था या फिर प्रावस्था साम्यावस्था। जब अभिकारक तथा उत्पाद रासायनिक रूप से समान हो और केवल उनकी भौतिक अवस्था ही भिन्न हो, तब हम इसे प्रावस्था साम्यावस्था या सामान्य रूप से भौतिक साम्यावस्था कहते हैं, या इसे हम फेज इक्विलिब्रियम कहते हैं। जैसे कि जल तथा जलवाष्प के बीच पाई जाने वाली साम्यावस्था। इसी में दूसरा प्रकार है रासायनिक साम्यावस्था। जब अभिकारक तथा उत्पाद रासायनिक रूप से भिन्न होते हैं तब हम उसे रासायनिक साम्यावस्था कहते हैं। उदाहरण के लिए, जब कैल्शियम कार्बोनेट को गर्म किया जाता है तो वह टूटकर कैल्शियम ऑक्साइड तथा कार्बन डाइऑक्साइड गैस देता है। यह अभिक्रिया बंद पात्र में होती है तब पुनः कैल्शियम ऑक्साइड कार्बन डाइऑक्साइड के साथ मिलकर कैल्शियम कार्बोनेट का निर्माण कर देता है। इस स्थिति में हम देखते हैं कि कैल्शियम कार्बोनेट रासायनिक रूप से कैल्शियम ऑक्साइड तथा कार्बन डाइऑक्साइड दोनों से भिन्न है। तीसरे प्रकार का वर्गीकरण हम तात्कालिक अवस्था के आधार पर करते हैं। इसमें तात्कालिक अवस्था के आधार पर वर्गीकरण में पहली साम्यावस्था होती है स्थिर साम्यावस्था, या जिसे हम स्टैटिक इक्विलिब्रियम कहते हैं। तात्कालिक आधार पर कोई भी परिवर्तन नहीं होता है। इस प्रकार की जो साम्यावस्था होती है उसमें तात्कालिक आधार पर कोई परिवर्तन नहीं होता है, लेकिन यह साम्यावस्था तभी संभव होती है जब पूरा निकाय केवल एक कण के रूप में कार्य करे। दूसरे प्रकार की तात्कालिक अवस्था के आधार पर साम्यावस्था है वह है गतिक साम्यावस्था या डायनेमिक इक्विलिब्रियम। तात्कालिक रूप से, या हम कह सकते हैं कि न्यून समय के लिए, तो इसमें परिवर्तन होता है, परंतु यदि औसत रूप से देखा जाए तो इनमें भी परिवर्तन नहीं होता है। यह स्थायी अवस्था कहलाती है। हम जानते हैं कि यदि किसी निकाय में एक से अधिक स्वतंत्र कण हैं, तो वह निकाय केवल गतिक साम्यावस्था ही प्रदर्शित करेगा। इसीलिए हम कह सकते हैं कि जो रसायन विज्ञान में हम देखते हैं कि प्रायः सभी निकाय अनेकों स्वतंत्र अणुओं से मिलकर बने होते हैं, और इसीलिए रासायनिक विज्ञान के अंतर्गत सभी साम्य गतिक साम्य ही होते हैं।